मेरठ में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महापौर प्रत्याशी ऋचा सिंह व पार्षदों के समर्थन में 60 फुटा रोड मदीना कॉलोनी फेज 2 में जनसभा की। घोषणा पत्र की बात करते हुए शहर में फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कहा कि जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं क्योंकि झाड़ू वाले हैं। कहा कि मेरठ से परिवर्तन की सुगंध आ रही है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मेरठ में ये नारे लग रहे थे। जनता से पार्टी की महापौर प्रत्याशी व पार्षदों को जिताने की अपील की। कहा कि आम आदमी पार्टी जीती तो उग्रह कर आधी और जल कर माफ किया जाएगा, शहर को साफ करेंगे, विकास होगा। हालांकि समय के अभाव में रोड शो नहीं हो सका। इससे पहले उन्होंने मेरठ की सिवालखास नगर पंचायत से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शमीम की सभा को संबोधित किया। इस दौरान निकाय चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष शाह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सेमेंद्र ठाका, वार्ड नंबर 88 के पार्षद प्रत्याशी मास्टर शमशाद, रियासत अंसारी हबीब अंसारी, शाहरुख अब्बासी मौजूद रहे। सभा खत्म होने के बाद मास्टर शमशाद ने मदीना कॉलोनी चार खंबे से शालीमार गार्डन तक रोड शो किया। रोड शो में भारी तादाद में भीड़ उमड़ी। भीड़ को देख अन्य प्रत्याशी सोचने पर मजबूर हो गए। मास्टर शमशाद का कहना है कि वाकई सभी बिरादरी के लोगों का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है, उनकी जीत निश्चित ही है। की धरा मेरठ से परिवर्तन की सुगंध आ रही है, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, ये नारे लग रहे हैं मेरठ में। श्रीमती ऋचा सिंह जी जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं और हमारे बहुत सारे वार्ड के पार्षद के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा जनसैलाब आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये इस बात का संदेश है कि मेरठ अब परिवर्तन के लिए तैयार है, झाड़ू चलाने के लिए तैयार है। हमारे साथी सोमेन ढाका जी जो प्रांत के अध्यक्ष है पश्चिम के, हमारे जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की संगठन, और उसकी बदौलत आज एक बड़ी ताकत मेरठ से देखने को मिल रही है। मैं मेरठ की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आपने एक मौका मोदी जी को दिया है, एक योगी जी को दिया है, ये बहुत ही छोटी सरकार है नगर निगम की सरकार, ये सरकार आम आदमी पार्टी वालों को दीजिए, हम आपको बेहतर काम करके दिखाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की तरह बनाएंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, वाटर टैक्स माफ करेंगे, मेरठ शहर को साफ करेंगे, ये हमारे संकल्प हैं और इसको हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हम जुमला पार्टी नहीं, हम झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं, हम गारंटी वाली पार्टी हैं। आज बड़ी ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो लोग डबल इंजन का नारा देते थे वो दोनों के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। अब नया इंजन चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला, केजरीवाल वाला, और ऋचा सिंह जी जो यहाँ से मेयर की प्रत्याशी हैं, ये इनके साथ मिल के सारे पार्षद और यहाँ की जनता, अब हम लोग मेरठ को चलाएंगे। मैं मेरठ के लोगों से आशीर्वाद और वोट की गुजारिश करता हूँ। आज अखिलेश जी का भी रोड शो हुआ था सर, आज अखिलेश यादव का रोड शो हुआ, भारी भरकम आपका कमेंट इसमें? मैं, मुझे जानकारी नहीं है उनके रोड शो के बारे में। मैं इससे पहले सिवालखास में था, उसके पहले गाजियाबाद में था, आपने बताया है तो मैं देख लूंगा। दिल्ली में एक पहलवान बैठे हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि मेरठ से जो उनका कैंडिडेट है वो जीत पा रहा है। कम जनसैलाब था रोड शो में, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये मेरठ की जनता को तय करना है, मेरठ के लोगों को तय करना है। इन्होंने सबको मौका दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, बसपा को भी दिया है, सपा को भी दिया है, भाजपा को भी दिया है, तो हमने क्या गुनाह किया? हमने कौन सी गलती की? आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, हम तो यही अपील कर सकते हैं। कहे तो जनता को, देखिए ऐसा है कि ये चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है। बाकी मैं कोई आपके सामने आंकड़ा दूं इस वक्त तो वो ठीक नहीं होगा, 13 तारीख तक इंतजार। दिल्ली में पहलवान बैठे हुए हैं उसमें आपका क्या कहना है? जो दिल्ली में पहलवान बैठे हुए हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार की बेशर्मी के कारण बैठे हुए हैं, इस सरकार की निर्लज्जता के कारण बैठे हुए हैं। उनका सांसद खुलेआम कह रहा है मोदी जी कह देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो मोदी जी क्यों नहीं कह रहे हैं? जब साक्षी मलिक जी ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे तो फोटो खिंचाने के लिए तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले लालायित रहते हैं।
विनेश फोगाट कोई मेडल लेके आएंगे तो फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले लालायित रहते हैं, और एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट को कह रहे हैं मेरी बेटी है, मेरे परिवार की सदस्य है, और आपकी बेटी 15 दिन से बैठी हुई है धरने पे, आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी वहां पे गए थे, हमारी शिक्षा मंत्री आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी वहां पे गए थे। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पहलवानों की मांगों के साथ।